हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के पटेल, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय मालिका। स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि मेंडल्स ने जीन्स को फैक्टर कहा था, बिकॉज एट दैट टाइम जीन वॉज नॉट डिस्कवर्ड। एंड वेयर द जीन इज प्रजेंट, यू नो दैट द जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। एंड वेयर द डीएनए इज फाउंड, यू नो दैट डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन कंबाइंड टूगेदर फॉर्म क्रोमोसोम्स। सो डीएनए एंड क्रोमोसोम इज फाउंड इन न्यूक्लियस। सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द डीएनए, डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज डीएनए? इट इज द पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड। डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड क्या है स्टूडेंट? डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड लास्ट में, यू नो दैट देयर इज टाइड, टी इन टाइड इट फॉर थ्री, मीन्स न्यूक्लियोटाइड में थ्री कंपोनेंट्स हैं। और ये कैसे बनता है? ये बनता है न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फेट शुगर सॉरी न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। और न्यूक्लियोसाइड में जान आप देख रहे हैं कि यस आ रहा है, यस आप सेकंड कह सकते हैं, यानी इसमें दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट कौन है? न्यूक्लियोसाइड जो बनता है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से बनता है। स्टूडेंट, पेंटोज शुगर दो तरीके की होती है। एक होती है राइबोज शुगर, राइबोज जो कि आरएनए में पाई जाती है, और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज जो कि डीएनए में पाई जाती है। दोनों ही पेंटोज शुगर हैं। पेंटोज शुगर का मतलब पांच कार्बन वाली शुगर। पांच कार्बन किस तरीके से होता है? इस तरीके से यहाँ पे ये पांच कार्बन वाली शुगर को पेंटोज शुगर कहते हैं। अब इसमें से राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या है डिफरेंस? स्टूडेंट्स, पेंटोज शुगर में एच ओ एच, अगेन एच ओ एच, एच इधर ओ एच, दिस इज वन बॉन्ड वन सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच कार्बन वन टू थ्री फोर एंड दिस इज फाइव, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव। इस तरीके से ये पेंटोज शुगर होती है। अगर इसमें एक ऑक्सीजन, यहाँ जो ऑक्सीजन आपने देखा, इसकी अगर कमी हो जाए दोनों जगह एच हो जाए तो इसी को डी ऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। और डी ऑक्सीराइबोज शुगर ये डीएनए में होती है। तो किस तरीके से ये बनते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? तो अब हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या तीन चीज़ें हो गई। एक तो आपका हो गया नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? नाइट्रोजनस बेस होता है। दूसरा क्या होता है? पेंटोज शुगर होती है। और तीसरा क्या होता है? फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज़ें मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं।
और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। और यही पॉली न्यूक्लियोटाइड का चेन जो होता है वो डीएनए कहलाता है। अब आपने देखा कि पहला तो जो पेंटोज शुगर था, पेंटोज शुगर ये दो तरीके का था, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। दूसरा जो है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये दो तरीके को होते हैं। पहला होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरामिडीन, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। अब प्यूरीन में दो होता है, एक एडनीन होता है और एक ग्वानीन होता है, और पिरामिडीन में साइटोसिन होता है, थायमिन होता है और यूरेसिल होता है। लेकिन यूरेसिल जो है आरएनए में होता है, डीएनए में साइटोसिन और थायमिन होता है। तो दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस हो गए, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। प्यूरीन में एडनीन ग्वानीन और पिरामिडीन में साइटोसिन थायमिन होता है। तो इसको हमें जानना ज़रूरी है। अभी कैसे एक दूसरे से बाउंड होते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे हमें जानेंगे बांड के बारे में। पूछा जाता है कौन कौन से ये बांड बन सकते हैं, तो पहला होता है ग्लाइकोसिडिक बांड। ये किस तरीके से बनता है, यहाँ पे आपने देखा कि जो नाइट्रोजनस बेस है और पेंटोज शुगर इनके बीच में जो बांड होता है उसको ग्लाइकोसिडिक बांड या एन ग्लाइकोसिडिक बांड कहते हैं। इसके बीच में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर में। दूसरा होता है जब अब देखिए न्यूक्लियोसाइड बन गया, न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तब ये फास्फोडाइस्टर बांड से जुड़ता है। किसके बीच में हुआ, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड में भी किसके साथ जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड में अगेन जो है ये जो फास्फेट ग्रुप होता है शुगर से होता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर समझना है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से ही जब नाइट्रोजिनस बेस बन रहा है तो ये ग्लाइकोसिटिक बांड बना रहा है, और जब ग्लाइकोसिटिक बांड ये बना तो क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया, और इस न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और ये फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड में किस वाले पार्ट से जुड़ेगा, शुगर से ही जुड़ेगा। तो वो जो है फास्फोडाइस्टर बांड बना रहा, और जो नाइट्रोजिनस बेसिस है ये आपस में हाइड्रोजन बांड से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है हाइड्रोजन बांड किस तरीके से होता है। जो नाइट्रोजनस बेस है प्यूरीन में से ए एडनीन ग्वानीन प्यूरीन है, और साइटोसिन थायमीन ये क्या है, पिरामिडीन है। तो ए जो होता है हमेशा टी से जुड़ता है, डबल हाइड्रोजन बांड से जुड़ता है, और जी हमेशा सी से जुड़ता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से जुड़ता है। मैनी न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर थ्रू थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम जो होता है वो फास्फोडाइस्टर बांड से ये जुड़ जाता है। और ये जो है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए या आरएनए होते हैं, अभी डीएनए और आरएनए में हम जानेंगे डिफरेंस। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है और आरएनए में राइबोज शुगर है। डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हुए, एडनीन ग्वानीन साइटोसिन और थायमीन, ये डीएनए में पाए जाते हैं। आरएनए में एडनीन पाया जाता है, ग्वानीन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, ये डिफरेंस है। और यूरेसिल की वजह से आरएनए काफ़ी अनस्टेबल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर सकता, आगे हम पढ़ाएंगे।
इन द कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ए फॉस्फेट मोइटी रिमेन्स फ्री एट 5' इंड ऑफ द राइबोस शुगर, राइबोस शुगर का 5' इंड, 5' इंड ऑफ द पॉलीमर चेन एंड 1OH ग्रुप रिमेन्स फ्री एट 3 इंड ऑफ द राइबोज, 3 इंड ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पेंटोज शुगर है। यहाँ पे देखें किस पर OH है, ये 3 पर, और यहाँ पे 5' पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक खाली है, यहाँ जुड़ सकता है, तो इसलिए ये 3' टू 5' डायरेक्शन में ये जुड़ते जाते हैं। आगे हम देखें कि अगर DNA की स्ट्रक्चर की बात देखें तो ये आया कि DNA जो है डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स का मतलब इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ए और दूसरा स्ट्रैंड ए होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब कैसे पता चला डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहे? सबसे पहले फ्रेडरिक मेस्चर ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने DNA को आइसोलेट किया, लेकिन इन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन रखा। न्यूक्लियन क्यों रखा? क्योंकि न्यूक्लियस से इसको निकाला था, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियन रखा। बाद में अल्टमान थे, एक साइंटिस्ट थे अल्टमान, यहाँ इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि किस साइंटिस्ट ने किस साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, तो ये अल्टमान ने दिया। बाद में इसका एक्सरे फोटोग्राफ लिया विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने, DNA का एक्सरे फोटोग्राफ लिया, और इसी एक्सरे फोटोग्राफ के सहारे वाटसन एंड क्रिक ने DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल दिया, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल देने में उन्होंने एक तो सहारा लिया फ्रैंकलिन का, जो विल्किंसन फ्रैंकलिन का एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ जो था, और दूसरा इरविन चारगाफ का रूल लिया। इरविन चारगाफ ने ये बताया कि प्रपोर्ट दैट डबल स्टैंडर्ड DNA रेशियोज A:2 एंड C:0 रिमेन सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्यूरीन होता है DNA में, जो प्यूरीन की टोटल क्वांटिटी होती है वो पिरामिडीन के बराबर होती है, टोटल प्यूरीन और टोटल पिरामिडीन की बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब जो होता है क्या हुआ कि जो यहाँ पे हम देखें इसका ए, इसका सी, इसका टी, इसका जी, लेकिन जो यहाँ पे उन्होंने सही आप समझे तो ये जो ए प्लस टी है, जबकि आप जानते हैं प्यूरीन जो है एडनीन और गुआनीन है, एडनीन और गुआनीन, ए प्लस जी ये साइटोसिन प्लस थायमिन के बराबर होता है। ये कैसे संभव है? जब रेशियो निकाला तो ए प्लस टी जो होता है, ए और जी प्लस सी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है एक स्पीसीज के लिए, और अगर ये कांस्टेंट 1 से ज़्यादा होता तो समझ लीजिए कि हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ह्यूमन बीइंग में हम देखें तो जो रेशियो होता ए प्लस टी इस टू जी प्लस सी, ये आता 1.55। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन जो है इवोल्यूशन में टॉप पर आता है, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें जैसे इस्चरेचिया कोलाई, तो ये रेशियो जो होता है 0.93 आता, तो लोअर ऑर्गेनिज्म हो गया। इन दोनों के आधार पे जो वाटसन एंड क्रिक थे, इन्होंने DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल दिया और उसके फीचर्स क्या बताए,
इसको हम देखेंगे। फीचर्स में उन्होंने बताया कि इन डीएनए टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइल्ड टू फॉर्म अ हेलिक्स। हेलिक्स क्या है, आप लोगों ने कभी कम स्पेस में कॉइल्ड जो सीढ़ी ऊपर छत पे जाने के लिए देखा होगा, उस तरीके को उन्होंने दिया। और ये बताया कि जो दोनों हेलिक्स होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब एक हेलिक्स ए है ऐसे है तो दूसरा हेलिक्स इधर से जाएगा। एक जो है अगर 3' टू ये 5' है तो दूसरा इधर से ये 3' टू 5' जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का कंसेप्ट यहीं से है, ये 5' हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। दूसरा क्या उन्होंने बताया कि कैसे ये बनता है, अगर ये सीढ़ी जैसे होता है तो क्या होता, जो इसका जो बैकबोन होता है वो किसका बनता, शुगर और फास्फेट का बना है। यानी जो ए है और ए है, ये शुगर और फास्फेट का बना है और इसके बीच में जो सीढ़ी के डंडे होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस बताए कि ए जो है टी से जुड़ता है और किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन बांड से, और सी जो है जी से जुड़ता है, ए जो है भी हाइड्रोजन बांड से जुड़ता है, ए और टी डबल बांड से जुड़ता है और सी और जी ट्रिपल बांड से जुड़ते हैं। और दूसरी जो इसका फीचर है, दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयर विद ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बांड, ये बताया। प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद देयर करस्पॉन्डिंग पिरामिडीन। एडनीन पेयर्स विद थायमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बांड्स, व्हाइल ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बांड्स। इसके बारे में हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से है। ये देखिए, ये शुगर है, ये फास्फेट है और ये नाइट्रोजनस बेस है। तो जो शुगर और फास्फेट देखिए, ये सब में शुगर और फास्फेट है, ये सब में शुगर और फास्फेट है। ये क्या है, इसका मेन बैकबोन एक तरीके से बनाए। और बीच में ये देखिए नाइट्रोजनस बेसेस है। ये देखिए एडनीन और थायमिन जो जुड़ा है डबल बांड से, हाइड्रोजन बांड से जुड़ा है, और साइटोसिन ग्वानिन जो है ये ट्रिपल बांड से जुड़ा है। तो पहले ही आपने पढ़ा कि जब शुगर जो है नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है, ये न्यूक्लियोसाइड है, और जब यही फास्फेट जुड़ जाता तो एक न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, और इस तरीके से ये जुड़ते चले जाते हैं। द हेलिक्स इज राइट हैंडेड और इसका जो पिच होता है वो 3.4 होता है। अब यहाँ पिच का मतलब समझिए, सपोज ए दिस इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक को पिच बोलते हैं और इन दोनों का जो बीच में डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर होता है। और एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। तो क्वेश्चन आता है दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए, तो जब पूरे हेलिक्स में 10 हैं और पूरा का जो डिस्टेंस है पिच 3.4 है, तो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या हो जाएगा, ये 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका होता है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्ट्राइक्स ओवर द अदर इन ए डबल हेलिक्स, दिस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द हेलिक्स अलोंग विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो हो गया डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, या हम कह सकते हैं डीएनए का लेंथ है, जो है डीएनए का जो लेंथ है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने हैं। अगर ज़्यादा नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे तो डीएनए लंबा होगा, अगर कम नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे तो डीएनए छोटा होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सेल का जो डायमीटर होता है वो काफ़ी छोटा होता है
और इतना बड़ा डीएनए उस छोटे से न्यूक्लियस में, सेल का डायमीटर बताया, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, आप लोग जानते हैं ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस में आया कैसे? तो इस डीएनए की पैकेजिंग होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो आप लोग देखते नहीं, तो छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे। आज इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए किस तरीके से पैकेजिंग होता है, यानी उसका न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में जानेंगे।